फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर इस फिल्म ने 3 दिनों में ही 130 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। गदर 2 ने रविवार के दिन केजीएफ 2 और बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं बात करें अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओएमजी 2, तो ये फिल्म भी वीकेंड पर अपना बिजनेस बढ़ाने में कामयाब रही। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म गदर 2 की। फिल्म ने पहले दिन 40 करोड़ 1 लाख से ओपनिंग की। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 43 करोड़ 8 लाख रुपए कमाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 20 करोड़ 71 लाख रुपए का उछाल आया और फिल्म ने तकरीबन 52 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 135 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर ली है। अब बात करते हैं फिल्म ओएमजी 2 की। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 26 लाख की कमाई की, शनिवार को 15 करोड़ 30 लाख और तीसरे दिन यानी रविवार को कमाई में उछाल के साथ 18 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। हालांकि फिल्म को गदर 2 से कड़ी टक्कर मिल रही है, बावजूद इसके फिल्म अपने कदम मैदान में गड़ाए रखने में कामयाब रही। गौरतलब है कि फिल्म गदर को 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, वहीं ओएमजी 2 को 1500 स्क्रीन्स पर। आपको बताते चलें कि फिल्म ओएमजी 2 को सेंसर्ड बोर्ड की ओर से ए सर्टिफिकेट दिया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सीधा सीधा फायदा फिल्म गदर 2 को मिला है। हालांकि गदर का बिजनेस कलेक्शन ओएमजी 2 से काफी बेहतर रहा। फिल्म ने कई सारी ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ दिया, बावजूद इसके ये फिल्म शाहरुख की फिल्म पठान को पछाड़ने में नाकामयाब रही। आपको बताते चलें कि फिल्म पठान ने पहले संडे तकरीबन 58 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। गदर 2 एक एक्शन मसाला फिल्म है, इसी वजह से लोग ज्यादा संख्या में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि दोनों फिल्में ही वीकेंड पर तगड़ा बिजनेस करने में कामयाब रही, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो फिल्म की अग्नि परीक्षा तो वीकडेज में ही होती है। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्ते में दोनों फिल्में कैसा परफॉर्म कर पाती हैं।